नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पंकज महेश्वरी, मैं फोर्टिस हॉस्पिटल मुलुंड में सीनियर कंसल्टेंट एंड चीफ ऑफ यूरोलॉजी के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम बात करेंगे, हमें किस ढंग से पता करना है कि हमें जो प्रोस्टेट की तकलीफ है ये उम्र के साथ होने वाला प्रोस्टेट का बीमारी है या प्रोस्टेट में कैंसर की बीमारी है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर और एज रिलेटेड प्रोस्टेट, जिसको हम मेडिकली BPH कहते हैं, दोनों की तकलीफें प्रैक्टिकली सेम रहेगी। दोनों पेशाब के रास्ते में रुकावट करते हैं, इसलिए दोनों में पेशाब की धार कमजोर होना, बार बार जाना, जोर लगाना, इस तरह की तकलीफ होगी। कैंसर की जो स्पेसिफिक तकलीफें हैं, यानी हड्डियों का दर्द या वजन कम होना या भूख कम होना, ये प्रोस्टेट कैंसर के लेट स्टेज में होती है। पर अगर हमें कैंसर को अर्ली स्टेज पर डिटेक्ट करना है तो हमें उस वक्त जांच करनी होगी जब एडवांस डिसीज की तकलीफें नहीं है। तो किस मरीज में प्रोस्टेट कैंसर की जांच जरूरी है? हर आदमी ने प्रोस्टेट कैंसर का जो स्क्रीनिंग टेस्ट होता है वो 55 साल से 70 साल की उम्र में 2 साल में एक बार प्रोस्टेट कैंसर की जांच करवा लेनी चाहिए। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर हम प्रोस्टेट कैंसर को सही स्टेज में पकड़ें, यानी जब प्रोस्टेट कैंसर प्रोस्टेट के अंदर ही है, उस वक्त अगर हम प्रोस्टेट कैंसर को डायग्नोस करें तो ये बीमारी पूरी तरह ठीक होने लायक है। प्रोस्टेट कैंसर को अगर सही स्टेज में डायग्नोस किया जाए तो आपकी क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ लाइफ बिल्कुल कम नहीं होगी। प्रोस्टेट कैंसर के ट्रीटमेंट के बाद 15 साल या 20 साल तक का सर्वाइवल पॉसिबल है, बशर्त हम इसे सही वक्त पर डायग्नोस करें। सही वक्त पर डायग्नोस करने के लिए, जैसे हमने कहा, 2 साल में एक बार चेकअप जरूरी है, 55 साल के बाद चेकअप जरूरी है। 55 साल के पहले कुछ स्पेसिफिक ग्रुप में चेकअप किया जाएगा। अगर आपके घर में किसी को प्रोस्टेट कैंसर है, जैसे आपके फादर को, पिताजी को, या कोई चाचा मामा को, बड़े भाई को प्रोस्टेट कैंसर हुआ है, तो आपकी जाँच जल्दी शुरू की जा सकती है। तब जाँच 45 साल की उम्र में शुरू की जाती है। अगर कोई अफ्रीकन नेशनल है या अगर आप लॉन्ग टर्म स्मोकर है, बड़ी सिगरेट का सेवन करते हैं, तो आपको जांच जल्दी शुरू करना इम्पॉर्टेंट है। 2 तरह की जांच की जाती है। एक जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं, मतलब उंगली से लैट्रिन के रास्ते से प्रोस्टेट को चेक किया जाता है। नॉर्मली जो प्रोस्टेट होता है इसका फील जो है एक रबर जैसा फील होता है और इसका जो सरफेस है ये बिल्कुल स्मूथ होता है। अगर ये इसका फील कड़क हो जाए या सरफेस इररेगुलर हो जाए तब हम कैंसर को सस्पेक्ट करते हैं। तो अपने जो ट्रीटिंग डॉक्टर है, डॉक्टर आपके फिजिशियन या आपके सर्जन या आपके यूरोलॉजिस्ट, उनसे 2 साल में एक बार डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन करवाना बहुत जरूरी है। दूसरी एक ब्लड टेस्ट होती है जिसे PSA कहते हैं। PSA का मतलब होता है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन की भी जांच हमें 2 साल में एक बार करनी चाहिए। ये एक सिंपल ब्लड टेस्ट है, खर्च ज़्यादा नहीं है। ये टेस्ट अगर हम रेगुलर करते रहें तो डेफिनेटली हम कैंसर को अर्ली स्टेज में पकड़ सकते हैं। हमें यह समझना है कि PSA बढ़ने की बाकी भी वजह होती है, जैसे इन्फेक्शन में बढ़ सकता है, बड़े प्रोस्टेट में बढ़ सकता है, ऑपरेशन के बाद बढ़ सकता है। तो PSA बढ़ा है इसका मतलब कैंसर है ऐसा नहीं है, पर अगर हम रेगुलर PSA की जाँच करें तो डेफिनेटली हम कैंसर को अर्ली स्टेज में डायग्नोस कर सकते हैं। सो हम यही कहना चाहेंगे, कैंसर से घबराएं नहीं, हर कैंसर जानलेवा नहीं होता है। प्रोस्टेट कैंसर के बाद नॉर्मल लाइफ पॉसिबल है और डेफिनेटली पॉसिबल है। सही टाइम पर जांच के लिए 2 ही टेस्ट करनी है, एक है जो फिजिकल एग्जामिनेशन जिसे डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन कहते हैं और एक है ब्लड टेस्ट जिसे PSA कहते हैं। और अगर आप हाई रिस्क ग्रुप में नहीं है तो आपको ये टेस्ट 2 साल में एक बार 55 साल से 70 साल की उम्र में करना है। इससे पहले या उससे बाद ये टेस्ट करके हमें कोई फायदा नहीं है। बेस्ट विशेस, थैंक यू।